एयर सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर महबूबा मुफ्ती मोहम्मद ने ट्वीट कर बीते दिन हुई आतंकी हमले को जहादत बताया था, जिसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये सवाल भारतीय जनता पार्टी और राम माधव से पूछिए, जिन्होंने महबूबा जी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। सर, भारत में एयर स्ट्राइक को लेकर चर्चा हो रही है, इस एसएसए के बीच एक ट्वीट है, मैं यहाँ भारी हिरान में आया है, महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आया है कि आज के दौर में सरकार का जोश देखने को मिल रहा है और जो एयर स्ट्राइक को लेकर तमाम चर्चा हो रही है, पूरा आगे पीछे आप भाजपा और संघ के राम माधव जी से पूछिए, जिन्होंने महबूबा जी के साथ मिलकर सरकार बनाई, उनसे बात करी। एयर स्ट्राइक का क्या पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी लेगी भविष्य में, आप बताइए। नहीं, ये सवाल आपसे है, आपके मेरे सवाल आपसे है। आपके अनुभव के आधार पर क्या लगता है कि जिस प्रकार के एयर स्ट्राइक की गई है, एयर स्ट्राइक सेना और देश की सुरक्षा, इसमें राजनीति नहीं होती। क्या मंत्रियों को प्रशिक्षण की जरूरत हो, क्योंकि पिछले दिनों जिस हिसाब से जो एपिसोड बना उसके बाद आपको लगता है कि नए मंत्रियों को प्रशिक्षण वाला बोल, हर क्षेत्र में हर नए व्यक्ति को थोड़ा बहुत अनुभव आने में समय लगता है, और जो कुछ हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के निचले स्तर पर जो 15 साल से जमे जमाए लोग थे उनका षड्यंत्र था। ठीक है सर, लोकसभा को लेकर आपका नाम भी तैयारी चल रही है, कहाँ से लड़ा रहे हैं आप मुझे? नहीं, आप मुझे कहाँ से लड़ा रहे हैं? सर, एयर स्ट्राइक को लेकर आपकी भी काफी मतलब प्रतिष्ठा है, पाकिस्तान के नेताओं में से भी बातचीत होती रही होगी इसके पहले, एयर स्ट्राइक के बाद किस प्रकार के रिएक्शंस वहां से आए, कुछ किसी से की बातचीत हुई? सुन लीजिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में और ओपी इतने संवेदनशील समय में जबलपुर के सर्किट हाउस पर मैं आपको बात को नहीं कर पाऊंगा, ये निर्णय कैबिनेट और इंटरनल सिक्योरिटी जो है, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो है उस पर छोड़ना चाहिए, सभी दलों के नेताओं को बुलाकर माननीय सुषमा स्वराज जी ने ब्रीफ किया है, प्रधानमंत्री जी ब्रीफ कर रहे हैं, इसलिए इस मामलों में यहाँ पर खड़े होकर मैं आपसे क्या कहूँगा। क्या एक और लास्ट सवाल, इसमें अभी जो चित्रकूट की घटना हुई है, जुड़वा बच्चों का अपहरण करके हत्या कर दी गई, क्या इससे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन और दुरुस्त और मुस्तैद होना आवश्यक है, कहीं कुछ ढीला है अभी? हर समय पुलिस को मुस्तैद रहना चाहिए, लेकिन यदि आप देखेंगे कुछ घटनाक्रम आपको बताता हूं। पहले तो मैं उस परिवार के साथ हूं जिसने नन्हे मुन्ने दो जुड़वा बेटों को खो दिया, ये जो घटना जिसने भी की है उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, और जो मोटरसाइकिलें जिनका उपयोग किया गया उनमें रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं था, राम राज लिखा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह लगे हुए थे, ये यही राम राज है क्या भाजपा का? यही राम राज है क्या बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का? बच्चों का अपहरण करके हत्या कर देना यही उनका राम राज है क्या? और दोनों व्यक्ति चित्रकूट महाविद्यालय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, क्या यही शिक्षा दी जाती है चित्रकूट विश्वविद्यालय में? क्या नानाजी देशमुख का यही सपना था? दूसरा, इंदौर में घटना हुई, सुपारी लेकर हत्या की गई, कौन पकड़ा गया? सुधाकर मराठा 25 से ज्यादा सुपारी लेकर हत्या कर चुका है, ये कौन सी पार्टी का समर्थक है? भाजपा का। मंदसौर में भाजपा के नगरपालिका अध्यक्ष की हत्या हुई, किसने की? भाजपा के नेता ने की। रतलाम में एक दलित को मारकर जला दिया गया, किसने किया? आरएसएस के एक पदाधिकारी ने। क्यों किया? वो चाहता था कि उसकी